हमने और आपने आत्मघाती बम सुने हैं। आत्मघाती बम क्या? व्यक्ति ने खुद ही बम को शरीर में लगा लिया और जब बम फटा तो साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसे हम फैगोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या करते हैं? जो भी पैथोजन है, जो भी पॉइजन है, वो उसको खाते हैं और उसको ग्रहण कर खुद भी खत्म हो जाते हैं। ये तो प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। हम तो रोज पॉइजन का, धीरे धीरे स्लो पॉइजन का सेवन कर ही रहे हैं। आप कहेंगे, मैम हम कहाँ पॉइजन खाते हैं? तो भाई क्यों नहीं खाते हैं? जो जितनी भी पॉल्यूशन है, ये पॉइजन ही तो है। और घर घर में जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसा जाता है, खाना खाया जाता है, उसके भी तो साइड इफेक्ट्स हैं। चर्चा होगी विस्तार से इन सारी बातों की। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानेंगे उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जो निकाल बाहर करेगा हमारे शरीर के पॉइजन को। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वाजनेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, हमें कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। पहले के समय में जब किसी कैदी को सजा होती थी तब जेल में कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। आज भी ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर जो कैदी होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन दिया जाता है। रोज जब बहुत ही कम मात्रा में पॉइजन दिया जाएगा तो 15 से 20 साल में उस पॉइजन के साइड इफेक्ट की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही काम तो एल्युमिनियम के बर्तन का भी है। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे, मतलब जेल में शुरू हुआ था एल्युमिनियम, कब हम सबके घरों में आ गया हमें पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी आपके घर में बर्तन है, एल्युमिनियम के कढ़ाइयाँ हैं, भगोने हैं, इनको निकाल बाहर करिए, क्योंकि ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं। स्लो पॉइजन से क्या होगा, जो हमारे लीवर की सेल्स हैं वो निरंतर इनसे फाइट करती रहती हैं। जब निरंतर फाइट करती हैं तो वो कौन सी सेल्स हैं, पहले बात करते हैं उन लीवर की सेल्स का। इन्हें कहते हैं कूफर सेल्स। कूफर सेल्स, जैसे बात हुई थी आत्मघाती बम की, तो बिल्कुल वही कल्पना कीजिए कि जो कूफर सेल्स हैं ये ढूंढा करती हैं कि कोई पॉइजन तो नहीं आ गया, कोई टॉक्सिन तो नहीं आ गया, क्योंकि उनका काम है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का। जो भी कोई ऐसा, जैसे ना तो शत्रु ने आक्रमण किया तो हम शत्रु को पकड़ते हैं, हमारे सैनिक, तो बिल्कुल ऐसे जो कूफर सेल्स हैं लीवर की, तो ये देखते हैं कि कोई शरीर में GIT में कोई पॉइजन तो नहीं आ गया, पॉइजनस पार्टिकल तो नहीं है, उसको लेती हैं, उसको खा लेती हैं और खुद भी फट जाती हैं और मर जाती हैं। फैगोसाइट इसको बोलते हैं। फैगोसाइट सेल्स हैं ये हमारी, कूफर सेल्स हैं, लीवर की सेल्स हैं। तो लीवर का काम जैसे हम जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का, तो यानी जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हैं तो उसको वो निकाल बाहर करता है। जब बहुत अधिक मात्रा में कूफर सेल्स डेड बॉडीज हो जाती हैं, मरी हुई होती हैं, तो लीवर अपना काम फिर ठीक से कर नहीं पाएगा व्यक्ति, क्योंकि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उससे एनर्जी मिलनी चाहिए थी और सारा का सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो गई, फाइटिंग में। हमारा भी है कि यदि हम दिन भर किसी से लड़ते रहे तो शाम तक खुद भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। खुद को भी लगेगा कि आज सारा दिन हमने बेकार कर दिया, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कि हमें लगता है कि सारे के सारा खाया पिया हमारा फालतू की चीजों में निकल गया, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, थकावट और हो गई। और वहीं यदि हम मेडिटेशन करते हैं, अनुभव देखिए, हम किसी से लड़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी कैसे वेस्ट हो गई, और वहीं यदि हमने मेडिटेशन किया तो हमें क्या, खुद को बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब हमारी लीवर की सेल्स बहुत ज़्यादा, जो पॉइजन हमने लिया हर समय उससे फाइट करती रहेंगी, तो व्यक्ति को थकावट सी रहेगी और धीरे धीरे लीवर भी वीक हो जाएगा और फिर वो ठीक से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो आज बात होगी उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट की, किस प्रकार से आप घर पर रहकर ही एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, शरीर में जितने भी पॉइजन है वो निकाल बाहर करेगा वो खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट। आइए अब बढ़ते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ।
एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपका भी इंटरेस्ट है, मन है एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखने का, और बड़े मजे की बात, कहीं आना नहीं जाना नहीं, आप घर पर रहकर ही इन सारी बारीकियों को सीख सकते हैं, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज है जो हमने डिजाइन किए हैं कि हम घर बैठे ही आपको ये सारी चीजें सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट हमारे पैरों में है। अब पैरों में कैसे ढूंढेंगे, तो आएंगे बिग टो और जो सेकंड टो है हमारा इसकी तरफ, इन दोनों के बीच में ये ग्रूव है। इसी ग्रूव में, कहने का मतलब कि जहां पर हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल बोन और जो सेकंड मेटाटार्सल बोन जहां पर मिल रही है, उस जंक्शन में, जो लोग दुबले पतले होते हैं जिनके पैर पतले पतले से होते हैं, ग्रूव दिखती है, तो बस जहां पर ये हमारी जो फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल जहां पर मिल रही है उसी ग्रूव में है। मतलब इस तरीके से यदि आप अपने उंगलियों से, हाथ से घुमाते जाएं पॉइंट को, धीरे धीरे बढ़ते जाएं, तो जहां पर आपकी फिंगर रुक जाए, फिंगर बस वहीं पर हमारा ये पॉइंट है लगभग लगभग, क्योंकि ग्रूव यहां पर, यहां तो फिर जंक्शन हो गया ना दोनों का, तो इसी मिलन बिंदु, फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल बोन के मिलन बिंदु पर हमारा ये पॉइंट है। और ये पॉइंट देखिए, ये लीवर मेरिडियन ही गई है, ये नेल के बेस में लीवर वन, वेब में हमारा जो वेब मार्जिन है, यहां पर हमारा लीवर टू, और इस जगह पे हमारा पॉइंट है लीवर थ्री। तो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट है वो है लीवर थ्री। अब क्या करेंगे, किस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे, अब इसको समझते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें जरूरत होगी पेपर टेप की और क्लस्टर मैग्नेट की। पेपर टेप में हमें इस तरीके से क्लस्टर मैग्नेट को लेना है, और जो ये हमारा पॉइंट है लीवर थ्री, इसी के ऊपर हम इस तरीके से क्लस्टर मैग्नेट, लगा देंगे। बस यही दोनों ही पैरों में आपको इस ट्रीटमेंट को करना है। आप रोज रात में लगाकर इसको सो सकते हैं, दिन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए धीरे 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 डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर देगा, शरीर में जो भी पॉइजन है उसको निकाल बाहर करेगा। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की, तो निगाह डालिए, नीचे एक एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, वेबसाइट की लिंक आ रही होगी, पूरे एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी परेशान हैं बहुत सारी बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।